बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी कैरी की चटनी बनाना बताएंगे। आप इसे चाहें तो समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ, कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं, या जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही चटपटी सी, खट्टी सी और बहुत ही स्पाइसी सी चटनी बनती है। वीडियो को आखिर तक देखें। तो चटनी बनाने के लिए टोटल ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिनमें हमने एक अदद कैरी ली है। कैरी को हमने काट लिया है और आधा बंच हमने हरा धनिया लिया है, हरा धनिया को भी हमने धो के काट लिया है। तीन अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं और चार जवे हमने लिए हैं लहसुन के। एक चाय का चम्मच ज़ीरा लेंगे और एक चाय का चम्मच लेंगे नमक। दूसरा ब्लेंडर में हम ये तमाम चीज़ें डाल देंगे। आधा कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर देंगे। चटनी को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, देखिए तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी चटनी हमारी तैयार हो गई है। ये है हमारी चटनी की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको हमारी चटनी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।